नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और अक्टूबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र जो है वो 1 से 13 तारीख तक तुला राशि के अंदर रहेंगे और 13 से लेकर 30 तारीख तक वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे। बुध जो है वो 1 से 9 तारीख तक कन्या राशि में रहेंगे और 10 से 29 तारीख यानी कि 10 to 29 तक वो तुला राशि के अंदर स्थित रहेंगे। मंगल शुरू के 19 दिन के लिए यानी कि 19th तक वो मिथुन राशि में और 20 तारीख को कर्क राशि के अंदर उनका भ्रमण होगा। सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर को तुला राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। गुरु वक्र अवस्था में आएंगे 9 अक्टूबर को और 4 फरवरी तक वो वक्री रहेंगे। नवरात्रि का बहुत ही पावन अवसर है, वो 3 तारीख से 12 तारीख तक नवरात्रि का फेस्टिवल रहेगा। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध लग्न के अंदर केतु के साथ स्थित है और ये जो गोचर रहेगा वो शुरू के 9 दिन तक ही है, उसके बाद वो सेकंड हाउस में चले जाएंगे, द्वितीय स्थान में। देखिए, लग्नेश का लग्न में होना और लग्नेश का द्वितीय स्थान में होना दोनों ही बहुत ही शुभ परिस्थिति है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो लग्न के अंदर जो बुध रहेंगे केतु के साथ है, तो इस समय के अंदर आप कार्यस्थल को लेकर जो भी आपका फोकस खो चुका है उसे रीगेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपका एक आत्मविश्वास अब बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है, मगर फिर भी केतु के साथ है इस वजह से थोड़ा सा डायरेक्शनलेस फील हो सकता है आपके करियर के अंदर। आपको हो सकता है कि ऐसा महसूस हो कि आपका डायरेक्शन जिस प्रकार का होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए, वो नहीं है, मगर आप उसको रीगेन करेंगे। आप वापस से चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, लोगों के साथ जो कॉन्टैक्ट्स खो चुके थे उसे वापस आप पाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ है कि थोड़ा डिटैचमेंट रहता है व्यक्ति को, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते हैं, केतु के साथ डिटैचमेंट देता है ये। और यहाँ पर सूर्य भी है। सूर्य कब तक रहेंगे? सूर्य 17 तारीख तक यानी कि 16 तारीख तक, शुरू के 16 दिन तक तो सूर्य आपके लग्न के अंदर ही है। तो सूर्य की वजह से मैं कह सकती हूँ कि आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा, और सूर्य केतु दोनों साथ में हैं, तो ये एक आपके आत्मबल को बढ़ाने का कार्य करेगा। यहाँ पर आप अथॉरिटीज़ के साथ डील कर पाएंगे और परिस्थितियों को संभाल पाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका रीगेन हो पाएगा। जो आपका पिछले समय का जो आपने समय निकाला है, अब इस समय में मैं कहूंगी कि परिस्थितियां बेहतर होंगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और जॉब के अंदर भी आप परिस्थितियों को हैंडल कर पाएंगे। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में शुक्र है 13 तारीख तक, जो बहुत ही शुभकारी परिस्थिति है। सूर्य यहाँ पर नीचस्थ होने जा रहे हैं, बुध यहाँ पर आएंगे 10 तारीख को, सूर्य यहाँ पर 17 तारीख को आएंगे। तो सूर्य यहाँ नीचस्थ होते हैं तो फैमिली में एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका कुछ खर्च आ सकता है 17 तारीख के बाद। 17 तारीख के बाद मुझे लगता है कि एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के अंदर आपको कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं और इसकी वजह से आपके सेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। शुरू के 17 दिन का समय ऐसा है कि जहाँ पर आप सेविंग्स के अंदर आपकी वृद्धि होगी, मगर 17 तारीख के बाद सूर्य की अवस्था को देखते हुए, क्योंकि खर्च का स्वामी यहाँ पर बैठा है जो सेविंग्स को बढ़ने नहीं देता और जो सेव किया है उसको भी आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करवा देता है। बहुत कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। 17 तारीख के बाद यहाँ जो परिस्थिति है कि जहाँ पर सूर्य नीचस्थ है, वाणी यहाँ पर फैमिली इश्यूज के वजह से परेशान कर सकती है। यहाँ पे आप फैमिली के कोई भी इश्यूज होंगे तो वहाँ पर वाणी का जो उपयोग करेंगे वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि कड़वापन हो सकता है वाणी के अंदर, इस वजह से आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं फैमिली के अंदर। तो अपनी वाणी को 17 तारीख के बाद बहुत संयम में रखिएगा। बाकी यहाँ जब तक शुक्र है द्वितीय स्थान में स्वगृही अवस्था में,
वहां आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे वाणी से कनेक्टेड। शुरू के 13 दिन आप वाणी को करियर के अंदर बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। 17 तारीख के बाद थोड़ा सा वाणी को संभल के रखिएगा, अपनी वाणी का उपयोग बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके तृतीय स्थान के, तृतीयेश जो है मंगल बनकर पहले दशम भाव में और फिर 11वें स्थान में। शुक्र यहाँ पर 13 तारीख के बाद आएंगे और शुक्र आपके लाभ, एक तरह से कहा जाए कि भाग्य के स्वामी भी हैं और शुक्र आपके द्वितीय स्थान के भी स्वामी है। तो ये एक बहुत अच्छा है, मुझे लगता है टेक्निकल पर्सन्स के लिए बहुत अच्छा है, शुक्र ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ शुक्र की वजह से आपको भाग्य से चीज़ें आपको प्राप्त होगी, भाग्य से आपको कॉन्टैक्ट्स प्राप्त होंगे। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि ये समय बहुत ही भाग्यशाली है 13 तारीख के बाद का। और यहाँ आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, लोगों से कॉन्टैक्ट करने का मौका मिलेगा और यहाँ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए कि चीज़ें ग्रो करेगी। जो काफ़ी समय से आप लॉस्ट फील कर रहे थे, अब परिस्थितियों को आप संभाल पाएंगे। और मुझे लगता है कि बुध का प्लेसमेंट भी सेकंड हाउस में है तो ये आपको करियर के अंदर तो बहुत फोकस्ड बनाएगा। धीरे धीरे 9 तारीख के बाद तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। और कहीं पर भी स्थान परिवर्तन होता है तो वो आपको भाग्यशाली बनाएगा। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि टेक्निकली आपको बहुत परफेक्शन रखना होगा, टेक्निकली आपको बहुत चीज़ें आप अपने आप हैंडल कर पाएंगे, परिस्थितियों को बेहतर बना पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये महीना बहुत अच्छा है और 13 तारीख के बाद की अवस्था और भी बेहतर है जहाँ पर स्थान परिवर्तन की बात की जाए। यहाँ पर देखते हैं चतुर्थ भाव का, चतुर्थेश जो है वो आपके भाग्य स्थान में और वो भी वक्री हो रहा है चतुर्थेश 9 तारीख से। तो देखिए ये एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य में डीलेस करवाता है, मगर कोई डिसीजन लेना है तो शुरू के 19 दिन तक जब मंगल का दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ स्थान पर है तो वो ले सकते हैं, मगर विथ डीलेस ही ये डिसीजन आएगा। कुछ चीज़ों में डॉक्यूमेंटेशन में डीलेस हो सकते हैं, साथ में अगर कोई मदरलैंड से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी है तो वो विवाद आपका रिजॉल्व नहीं होगा, उससे कनेक्टेड विवाद अभी भी लंबे समय तक चलेगा। 9 तारीख से वक्री होने की वजह से चीज़ें आगे बढ़ेगी आपकी, मतलब जहाँ पर डीलेस होते चले जाएंगे परिस्थितियों से। और ये हेरिडिटी की प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर रिनोवेशंस की बात करते हैं तो रिनोवेशंस के अंदर भी मुझे लगता है एक्सपेंस बढ़ सकता है, प्लैंड और अनप्लैंड दोनों ही खर्चे होंगे, जो आपने प्लान किए हैं वो भी और कुछ अनप्लैंड एक्सपेंस आपके कंस्ट्रक्शन के अंदर बढ़ सकते हैं। इस तरह की परिस्थिति डेफिनेटली रहेगी। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की, पंचमेश अष्टम भाव में है, वक्री हैं। देखिए स्टूडेंट्स जो हैं और जो लोग एक तरह से कहा जाए कि आपके कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कहीं पर भी आप ऐसी एग्जाम दे रहे हैं कि जहां पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा हार्डशिप का समय है। मुझे लगता है कि ये एक समय ऐसा है कि जहाँ पर आपके फोकस में मेहनत में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ और भी ज़्यादा मेहनत बढ़ेगी। और अब मैं कहूँ कि इस महीने से आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। ये वक्र अवस्था का जो शनि होता है वो स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि संघर्ष की परिस्थितियाँ लेकर आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर स्पेशली उसको काफ़ी हद तक वो कहते हैं ना कि कम्पीट करना पड़ता है। और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि शेयर मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। 20 तारीख के बाद मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर पड़ेगा तो वो आपके लिए एक फायदेकारक परिस्थिति लेकर आएगा। मुझे लगता है कि जो भी मेडिकल के और IT क्षेत्र के स्टूडेंट हैं उनको 20 तारीख के बाद बहुत अच्छे लाभ होंगे, क्योंकि जो मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर आपके पंचम भाव पे पड़ता है तो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं आपके सिक्स्थ हाउस के, सिक्स्थ हाउस में शनि वक्र अवस्था में है और यहाँ पर मुझे लगता है कि जिन लोगों को भी बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं और जिनके भी मुख्य रूप से देखा जाए कि मंगल का नीचस्थ भ्रमण देखते हैं उस हिसाब से ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या
आपको परेशान कर सकती है। और मंगल का दृष्टि संबंध 20 तारीख के बाद आपके सिक्स हाउस पे भी पड़ता है, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है। शत्रु यहां पर हावी होने की कोशिश करेंगे 20 तारीख के बाद, तो मुझे लगता है कि यहाँ आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज़ 20 तारीख के बाद मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल का ये दृष्टि संबंध आपको कहते हैं ना कि आपके शत्रु बढ़ाने का कार्य करता है, और ये काफ़ी हद तक झगड़े की परिस्थितियाँ, छोटी छोटी चीज़ों में क्लैश की परिस्थितियाँ क्रिएट करता है। अगर आप स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें कही जाए तो सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम, बोन से कनेक्टेड थायरॉइड संबंधित समस्याएं, नीज से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती है। और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पर आप जहाँ ट्रीटमेंट लेने जाएंगे वहाँ पर भी आपको सही ट्रीटमेंट के लिए 2 से 3 जन का एडवाइस लेना चाहिए। मुझे लगता है कि मेडिसिन जो प्रकार से काम करनी चाहिए उसके लिए सही मेडिसिन प्राप्त करने में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। लोन की बात करते हैं कि अगर लोन की अवस्था की बात की जाए तो शुरू के 20 दिन का समय आपके लिए फायदेकारक है। सप्तम भाव की बात करते हैं, सप्तमेश आपके भाग्य स्थान में है, राहु यहाँ पर स्थित है जो एक तरह से लव रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा व्यक्ति को इंटेंस बना देता है। इस महीने मंगल की अवस्था को देखते हुए जो पंचम भाव पर दृष्टि संबंध रहेगा मंगल का, तो ये बहुत ज़्यादातर लव मैरिज की तरफ व्यक्ति को लेकर जाता है। पर जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा कम्युनिटीज़ के अंदर विवाद हो सकता है, हो सकता है कि पेरेंट्स के बीच में भी लव मैरिज के अंदर विवाद होगा। तो बहुत शांति से परिस्थितियों को रिजॉल्व करना होगा। रिलेशनशिप की वजह से थोड़ा सा फैमिली से डिटैचमेंट हो सकता है, मगर यहाँ पर लव मैरिज की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा हैवी है, और राहु यहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए सक्षम है। आपकी दशा अंतरदशा भी इम्पोर्टेंट है, जो ऑलरेडी मैरिड है उनके अंदर भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ईगो क्लैश होता है जब भी इस प्रकार की परिस्थिति। और सूर्य यहाँ पर दृष्टि संबंध में है आपके सप्तम भाव के साथ, तो मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा। मगर आप एक तरह से कहा जाए कि जो सप्तम भाव भाग्य स्थान के अंदर है तो भाग्य का सपोर्ट आपके साथ रहेगा, रिलेशनशिप के अंदर आप चीज़ों को परिस्थितियों को हैंडल कर पाएंगे, बिजनेस के अंदर आपको बढ़ोतरी मिलेगी, कॉन्टैक्ट्स आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव के, अष्टमेश मंगल बनकर दशम भाव में और फिर आपके 11वें स्थान में नीचस्थ होंगे, तो मेडिसिन रिसर्च के लिए 20 तारीख के बाद का समय बेहतर है, बहुत अच्छा है। और शुरू के 20 दिन के अंदर आपके जो दशम भाव में मंगल है बहुत ही एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, जो काम आपने नहीं किए वो कंप्लीट कर पाएंगे आप। और यहाँ सूर्य का दृष्टि संबंध भी आपका बनेगा 17 तारीख के बाद, जो विदेश के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस की। देखिए नवम भाव का स्वामी शुक्र बनकर आपके द्वितीय स्थान में और फिर तृतीय स्थान के अंदर है, तो यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बहुत बढ़ोतरी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, पिता के बिजनेस से बहुत अच्छा लाभ है। अगर फादर के बिजनेस के अंदर है, फैमिली के बिजनेस में है, तो बहुत अच्छे लाभ होंगे आपको, और पिता से आपको हर तरह का लाभ है। भाई बहनों के साथ मिलकर भी काम करते हैं तो वहां पर भी लाभ की परिस्थितियां रहेगी, और ये एक ऐसा सिस्टम है कि जहाँ लोगों के सपोर्ट के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। भाग्य का सपोर्ट हर तरह से आपको साथ देगा, जॉब मिलने से लेकर काम के अंदर आपको बढ़ोतरी के अंदर भी। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की, दशमेश लग्न में और बाद में द्वितीय स्थान में है। देखिए दशमेश का लग्न में होना एक बहुत अच्छी परिस्थिति है, जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलने में संभावना है पूरी के वो प्राप्ति हो, और इवन फैमिली बिजनेस में है तो भी 10 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ आपको फेवरेबल परिस्थिति रहेगी। मंगल यहाँ पर स्थित है जो आपको बहुत हद तक रिसर्च, मेडिकल और हर तरह के टीचिंग क्षेत्र के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे। थोड़ा डायरेक्शन लेस आप फील कर सकते हैं, मगर आप मुझे लगता है कि इस महीने आप हर तरह के रिस्क उठा सकते हैं तो आपको चीज़ें प्राप्त होगी। आपके कार्य में एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध लग्न के साथ भी है,
वो काफी डिसिप्लिन्ड बनाता है, व्यक्ति को एनर्जी प्रदान करता है, मगर आपके अग्रेशन के अंदर मुझे लगता है वृद्धि होगी। और मंगल यहाँ पर है तब तक आप काफी हद तक डोमिनेटिंग रहेंगे कार्य में, क्योंकि वो बहुत ही परफेक्शन के साथ कार्य करते हैं। जब इस तरह का मंगल की परिस्थिति होती, व्यक्ति बहुत परफेक्शन चाहता है चीज़ों में, और वो जहाँ प्राप्त नहीं होता तो लोगों के साथ वो क्लेश होता है। तो आप थोड़ा सा डिसिप्लिन, बहुत शांति से काम कीजिएगा, क्योंकि माहौल और आसपास के लोगों के साथ जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं और आपके परफेक्शन के साथ उनको मैच करने की परिस्थिति है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको समस्या होगी। तो थोड़ा संयम रखिएगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस में मंगल आएंगे, नीचस्त मंगल है ये, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां लाभ के अंदर 20 तारीख के बाद थोड़ी सी कमी आ सकती है। यहां मंगल की दृष्टि संबंध द्वितीय स्थान के साथ भी है, पंचम स्थान के साथ भी और छठे घर में भी है, तो यहाँ शत्रु काफी बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, लाभ आप कार्य ज्यादा करना पड़ता है और आपको इनपुट देकर आउटपुट इतना ज्यादा प्राप्त नहीं होता, बहुत ही मीडियम आपको प्राप्त होगा। ये एक चीज है कि जब मंगल यहाँ पर आएंगे तो लोगों से फालतू कोई भी विवाद में नहीं पड़ना, बहुत ज्यादा शत्रु बढ़ाने का कार्य करता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं डरा नहीं रही हूं, बट ये चीजों को जानना जरूरी है कि आपके स्वभाव के कारण होगा ये, तो आपके स्वभाव में आपको नम्रता, शांति, पीस लाना ही होगा, तो ही परिस्थितियां हैंडल हो पाएगी। और ये जो केतु लग्न के अंदर है और मंगल का दृष्टि संबंध है, ये चीजों को व्यक्ति को बहुत ज्यादा उतावलापन भी देता है और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी देता है, तो यहाँ पर वो लोगों से भी एक्सपेक्टेशंस इस प्रकार की लगाता है, तो यहाँ एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। मगर मुझे लगता है कि मंगल यहाँ पर आपके लिए नुकसान तो नहीं देगा, आपके कार्य के अंदर वृद्धि होगी, फाइनेंशियल गेन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड लग्न में और फिर द्वितीय स्थान में, तो शुरू के 16 दिन तक जो लग्न के अंदर सूर्य है वो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड बहुत अच्छे लाभ देंगे। ये चीज है कि अगर कोई भी लीगल मैटर चल रहा है या कोर्ट केस चल रहा है या डाइवोर्स केस चल रहा है, तो वहां पर मैं एक तरह से कहूंगी कि 17 तारीख के बाद मुझे लगता है आपको बहुत संभल के रहना है पूरे ही महीने। 17 से 30 तक का समय कोर्ट कचहरी के कार्यों में बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा, और आपके कुछ एक्सपेंस भी ऐसे होंगे जो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी होंगे और कोर्ट कचहरी के कार्यों में भी होंगे, तो आप अपने खर्चों को बहुत कैलकुलेट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि 17 तारीख के बाद आपकी सेविंग्स खराब हो सकती है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।